आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना मदौला के गुलाबनगर में जघन्य ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम देने वालों की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। सरगर्मी से पुलिस कातिलों की तलाश कर रही थी। 24 घंटे में पुलिस और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से आमना सामना हो गया। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। सोमवार को आगरा पुलिस के लिए बुरी खबर आई थी। थाना मदौला क्षेत्र के नगला किशनलाल में पति पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था। जघन्य अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 55 साल के रघुवीर, 50 साल के मीरा और 22 साल के पुत्र बबलू को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद शवों को एक साथ रख जलाने का प्रयास भी किया गया था। यह एक ऐसी वारदात थी जिसने समूचे प्रदेश में खलबली मचा दी थी। एडीजी, आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी सहित तमाम अधिकारी और जांच टीमें मौके पर पहुंची थी। पुलिस की 5 टीमें वारदात को अंजाम देने वाले कातिलों की तलाश में जुटी हैं। 24 घंटे के अंदर कातिलों और पुलिस का आमना सामना हो गया। थाना मदौला 80 फुटा रोड पर मुठभेड़ हो गई। दो बदमाशों को पुलिस की गोली लगी, साथ ही एक सिपाही अनूप भी बदमाश की गोली लगने से घायल हुआ है। देखिए, थाना मदौला में मॉर्निंग में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी सब लोग पहुंचे थे। उसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में 5 टीमें लगा के इस तिहरे हत्याकांड को खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें एसओजी की टीम और थाने की टीम मौजूद थी। उसी के क्रम में दिन भर सीडीआर एनालिसिस और सारे सीसीटीवी एनालिसिस उसमें से किया गया। कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया था। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर यह पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। ट्रिपल मर्डर का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। पुलिस की ट्रिपल हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। घायलों की पहचान सुभाष और वकील के रूप में हुई है। दरअसल बदमाश सुभाष के रामवीर पर 3 लाख रुपए उधार थे। रुपए वापस न करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर तीनों की हत्या की थी। बदमाश ने रामवीर, उसकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू की हत्या करके जला दिया था। हत्याकांड के खुलासे की कमान एसपी सिटी ने संभाली थी। उन्होंने रोके नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। घटना की क्या वजह रही गुजमान? देखिए, अभी ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इसमें मालूम पड़ेगी। कल आने पर जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से ये है कि इनका 3 लाख रुपये का कुछ एक विवाद था, जिसने जो 2 लोग अभी पकड़े गए उनमें से एक ने अपोजिट पार्टी जो बबलू है जिनकी हत्या उनके परिवार की हुई थी उनको देके रखे थे। कुछ इनका आपसी इसी लेन देन का विवाद था, उसी के क्रम में हत्या हुई है और साथ ही में कुछ पैसे भी लूटने की घटना हुई है। साथ ही में आज इसमें से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान जहां 2 बदमाश हाथ लगे, वहीं एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग भी हाथ लगा है। ट्रिपल मर्डर से पूरा आगरा दहल गया था। जिस निर्मम अंदाज में रघुवीर, मीरा और बबलू को मौत के घाट उतारा गया था, उसने सभी को जगजोग कर रख दिया था। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सिपाही तक को वारदात ने हिलाकर रख दिया था। यही वजह थी कि पुलिस सरगर्मी के साथ उन कातिलों को तलाश रही थी जिनके द्वारा इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा।